हेलो एवरीवन वेलकम टू एसर एकेडमी टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन टॉपिक ठीक है तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अप द लेक्चर्स और उस बेसिस पे हम अब क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ओके सो दिस इज क्लास ट्वेल्थ टॉपिक लेट्स क्वेश्चन विच कैन कम अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन इज इन पेडिग्री एनालिसिस वी नो हमने पढ़ा है कि पेडिग्री एनालिसिस से हम लोग डिजीज या ट्रेट किस तरह से पास ऑन होता है जनरेशन जनरेशन आफ्टर दैट ऑल वी सी ठीक है सो इन अ पेडिग्री एनालिसिस द म्यूटेशन इन रेसेसिव जीन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन म्यूटेशन मीन्स जो भी चेंजेस होते हैं किसी भी रेसेसिव वाले जीन में ठीक है सो वुड बी एक्सप्रेस्ड ओनली क्वेश्चन इज सेम की जीन में जो भी म्यूटेशन है अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पाता है ऑप्शन वन फर्स्ट ऑप्शन इज रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन सो रेसेसिव जीन अगर होमोजाइगस कंडीशन में हो तब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा या हेट्रोजाइगस कंडीशन में और डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में और बोथ ए एंड बी ऑप्शन सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन सबसे पहले हमें देखना होगा जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनके पास कॉपीज uh, ऑफ जो भी जीन्स है उनका दो अलील्स होता है ठीक है when we are talking about uh, tallness ठीक है सो अगर आप टॉलनेस की बात कर रहे हो कैपिटल टी हो गया ठीक है आइदर द ऑर्गेनिज्म इज टॉल और ड्वार्फ को हम स्मॉल टी लिख सकते हैं सो आइदर टॉल आई और टू अलीस so ये दोनों क्या है अलील है और अलील हमेशा पेर में रहते हैं तो so जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें अगर वाले जीन में कोई फॉर्म में अगर हो तभी वो म्यूटेशन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा ओके सो म्यूटेशन विल बी एक्सप्रेसिबल ओनली वेन इट इज इन मोजाइगस एंड रेसेसिव कंडीशन रेसेसिव है ठीक है बट होमोजाइगस होना चाहिए तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट वन कंडीशन ओके सो ये था रेसेसिव जीन में म्यूटेशन अगर हो तब वेन इट विल बी एक्सप्रेस दैट इज इन द होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन लेट सी वॉट इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन लिंग्ड जीन ठीक है जीन किसके ऊपर होता है होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर ओके लाइक दिस इज अ वन होमोलोगस क्रोमोजोम एक होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयर बना लेते हैं हम लोग ठीक है इफ ए जीन इज ओवर हियर ठीक है ए बी यहां भी है ए बी ओके और सिंपली वी शुड मेक सी डी ओके okay, तो ये क्या है होमोलोगस क्रोमोजोम्स है होमोलोगस क्रोमोजोम्स होमोलोगस क्रोमोजोम्स के ऊपर जितने भी जीन्स आप देख रहे हो दे आर दे आर लिंक्ड जीन ठीक है लिंग्ड जीन है ओके okay. सो लिंक जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम कैन बी सेपरेटेड किस तरह से सेपरेट हो सकता है ड्यू टू आइदर पॉइंट म्यूटेशन और इनवर्शन और रिकॉम्बिनेशन और नन ऑफ दीज सो हाउ कैन वी मेक द करेक्ट ऑप्शन किस तरह से हम लोग बना सकते हैं सो लिंक जीन ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है तो ये सारे जीन्स जो है लिंक्ड है ओके सो इट कैन बी दे कैन बी सेपरेटेड कैसे सेपरेट कर सकते हैं इनको बाई द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है इन रिकॉम्बिनेशन वॉट हैपन्स इज ओके ये क्रोमोजोम है ए बी हियर वी कैन से सी द चेंजेस यहां पर हमें चेंजेस दिख रहा है रिकॉम्बिनेशन हुआ है एंड वी कैन सी कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के बाद क्रॉसिंग ओवर ऑफ दी जीन जीन कैपिटल डी था इस साइड में इधर स्मॉल डी ठीक है डी जीन थे तो डी जीन के बीन के बीच में क्या हुआ रिकॉम्बिनेशन हुआ है बाइक एंड वी कैन सी द क्रॉसिंग ओवर सो लिंग जीन ऑन द होमोलोग क्रोमोजोम कैन बी सेपरेटेड हम कैसे सेपरेट कर सकते बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ओके आप देखोगे हमने पढ़ा है एक्सैक्ट एक पॉइंट पे दैट इज पॉइंट म्यूटेशन ओके बट रिकॉम्बिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिंक जीन को हम सेपरेट कर सकते हैं सो लेट सी दैक्स क्वेश्चन

ठीक है सो नॉन डिसजंक्शन में क्या हो गया जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे ठीक है एंड 21st पेयर ऑफ ऑटोजोमल क्रोमोसोम लीड्स टू व्हाट 21st पेयर ऑफ ऑटोजोमल क्रोमोसोम लीड्स टू तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वी आर हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ठीक है 23 पेयर्स में हमने देखा कि 22 ऑटोसोम्स ठीक ट्वेंटी टू क्या है ऑटोजोम्स है एंड वी हैव होते हैं और वन पेयर सेक्स क्रोमोजोम का होता है एंड ड्यूरिंग मियोसिस मियोसिस के एनाफेज में क्या होता है सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और इस 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हमने क्या देखा कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होंगे फाइनली क्या होता है देयर इज इट लीड्स टू नॉन डिसजंक्शन मींस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे एंड फाइनली इट लीड्स टू व्हाट सिकल सेल एनीमिया ऑप्शन बी इज क्लाइनफेटर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा है कि सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी का शेप होता है वो सिकल शेप हो जाता है ओके नेक्स्ट वन लिफ्टर सिंड्रोम निफ्ट सिंड्रोम में हमने क्या देखा देर इज अ जो क्रोमोजोम क्या है एक्स क्रोमोजोम एक एक्स्ट्रा हो जाता है दैट मीन द कंडीशन इज एक्स एक्स वाई मीन एक्स्ट्रा वन एक्स क्रोमोजोम ठीक है एक्स्ट्रा एक एक्स क्रोमोजोम होता है सो दैट लीड्स टू लिफ्टर सिंड्रोम और उसमें क्या है टोटल हमारे पास जो 46 सिक्स क्रोमोजोम होते हैं तो एक एक्स्ट्रा दैट मीन फोर्टी सेवन क्रोमोजोम और टर्नल सिंड्रोम में क्या होता है

ये एक तरह का क्या है ऑटोसोमल uh, डिसऑर्डर है ऑटोजोम्स में डिसऑर्डर होता है एंड इट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग द मियोसिस एनाफेज में क्रोमोजोम सेपरेट नहीं हुए हैं एंड फाइनली इट लीड्स टू डाउन सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में देखते क्या है कि जनरली द चिल्ड्रंस हैविंग वेरी ब्रॉड पाम एंड मेंटल डिसऑर्डर हो गया

नरेशन में जो फेनोटाइप हमें देखने मिलता है उसका रेशियो ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन ए नाइन इज टू सेवन ऑप्शन बी नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन नाइन इज टू थ्री इज टू फोर वन इज टू टू इज टू फोर इज टू वन ठीक है टू इज टू वन इज टू सो इन दिस वे बट विच इज द करेक्ट एफ टू का फॉर्मेट जो हमें करेक्ट फेनोटिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस वो हमें देखना है डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो एफ टू जनरेशन का का रेशियो है उनका फेनोटिपिक रेशियो किस तरह से होता है सो so ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि राउंड एंड येलो सीड्स को लेके जब मेंडल ने क्रॉस करवाया ठीक है राउंड येलो सो वी कैन राइट लाइक दिस राउंड येलो होमोजाइगस वेन इट इज क्रॉस्ड विथ येलो एंड ग्रीन ठीक है येलो ग्रीन सो द क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस पहले तो गैमेट्स बने सो so, पहले गैमेट्स बने वी शुड राइट वन येलो ग्रीन येलो ग्रीन ठीक है क्रॉसिंग ओवर हो गया पहले गैमेट्स बनेगा ओके दिस इज पेरेंट जनरेशन वॉट टाइप ऑफ रेशियो वी विल गेट किस तरह से पहले हमने जो फर्स्ट गैमेट्स बनेगा वो कैसा बनेगा आर वाई एंड आर वाई राउंड येलो राउंड येलो साइड रिंकल ग्रीन रिंकल ग्रीन सो so, सिंपली एक जैसे ही गैमेट्स बन रहे हैं ठीक है यहाँ पे राउंड और येलो ही बनेगा वहां पे येलो एंड ग्रीन बने uh, ग्रीन एंड रिंकल्ड बनेंगे ओके okay? अब यहाँ पे क्या हमें देखना है सेल्फिंग करवाया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस एंड वी कैन सी कि किस तरह से फर्स्ट जनरेशन हमें मिलेगा ओके okay? इस क्रॉस में आप देख रहे हो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई ठीक है नेक्स्ट जनरेशन अगर हमने देखा अगेन कैपिटल आर वाई वाई आर अगेन इन दिस वे वी विल गेट गेट द सेम रिजल्ट ठीक है ओके okay, तो एफ वन जनरेशन जो मिला इट इज ऑल सब सेम है हेट्रोजाइगस फॉर्म में है मीन्स राउंड और येलो मिलेंगे हमें जो एफ वन जनरेशन होगा वो राउंड और साथ ही साथ येलो सीड्स मिलेंगे ठीक है राउंड भी होंगे येलो भी ऑल आर सेम हेट्रोजाइगस कंडीशन है ठीक है नाउ वी विल सी कि एफ टू जनरेशन जो बनेगा वो अब इस तरह से हम लोग सिंपली नहीं बना सकते बिकॉज ऑलरेडी वी हैव टेकन टू ट्रेट दो कैरेक्टर को लेके बना रहे हैं सो वी स्क्वायर अब पनेट स्क्वायर जब आप बनाओगे तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि सिंपली व्हेन वी आर मेकिंग पनेट स्क्वायर इन दिस वे वी आर मेकिंग ठीक है पहला राउंड येलो राउंड एंड येलो अगेन राउंड एंड ग्रीन देन रिंकल्ड ग्रीन ओके इन दिस वे वी विल सी कि जो एफ टू जनरेशन है उसका रेशियो क्या हो जाएगा

Okay सो वी कैन कम्प्लीट दिस इन द सेम वे ठीक है जिस तरह से नॉर्मल पर्नट स्क्वायर जो एफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बनाते हैं फाइनली किस तरह का हमें रिजल्ट मिलेगा जो रेशियो मिलेंगे दैट विल बी इन दिस फॉर्मैट देख रहे हो जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला कंडीशन दिस इज ऑल होमोजाइगस डोमिनेंट वन तो होमोजाइगस डोमिनेंट में आप देख रहे हो दर इज वन ठीक है यहाँ पे राउंड एंड येलो सीट्स बनेंगे राउंड बनेंगे येलो बनेंगे राउंड येलो राउंड येलो ठीक है अगेन राउंड येलो राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नो इट इज जस्ट तो राउंड एंड येलो सीड्स कितने बने इट इज नाइन नेक्स्ट फी विल काउंट फिंकल्ड येलो और कितनी तरह से और भी सीट्स मिलेंगे दैट वी हैव टू सी सो नाउ इन दिस फॉर्म यू कैन सी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई डॉमिनेंट वाला जो हमें कंडीशन मिला राउंड एंड येलो सीट का दैट वॉज नाइन ठीक है लास्टली रिंकल्ड एंड ग्रीन जो लास्ट में आप देख रहे हो रिंकल्ड और ग्रीन वाला कंडीशन वो सिर्फ एक ही है ठीक है सो अगेन रिंकल्ड एंड ग्रीन रिंकल्ड ग्रीन इज वन ओके और नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे कि वॉट आर द डिफरेंट राउंड एंड रिंकल्ड ठीक है इस तरह से देखना होगा हमें सो हियर राउंड येलो ठीक है कैपिटल आर है कैपिटल आर है इस कंडीशन में जैसे आप देख रहे हो कैपिटल आर दैट मीन राउंड और येलो सीड होंगे राउंड एंड येलो तो ये राउंड येलो होगा ये भी राउंड एंड येलो अगेन दिस इज राउंड एंड येलो ओके तो फाइनली जो हमें रेशियो मिलेगा दट इज नाइन इज टू थ्री टू थ्री टू वन ठीक है सो फर्स्टली पेरेंट जेनरेशन तो हमें मिलेगा राउंड येलो सीट्स मिलेंगे राउंड येलो मिलेगा एंड रिंकल्ड ग्रीन भी मिलेगा साथ ही साथ राउंड येलो ना होके राउंड ग्रीन ओके राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड हमने देखा था जो पेरेंट थे वो क्या थे राउंड येलो थे और रिंकल्ड के साथ ग्रीन था रिंकल्ड ग्रीन बट हियर देर इज कुछ हमने जब देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस में कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी हमें देखने मिल रहे राउंड येलो तो है एंड रिंकल्ड ग्रीन भी है साथ ही okay. साथ राउंड ग्रीन ओके एंड येलो रिंकल्ड और साथ ही साथ येलो

राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट ठीक है द प्रोडक्शन ऑफ द हेट्रोजाइगो फ्रॉम बोथ वुडी मतलब कितने तरह के हेट्रोजाइगो हमें मिलेंगे फर्स्टली कंडीशन क्या है राउंड एंड येलो सीड है लेकिन हेट्रोजाइगस फॉर्म में है राउंड है येलो है बट हेट्रोजाइगस कंडीशन में है ओके सो विच टाइप ऑफ ट्रेट वी विल गेट टू सी ठीक है अब इनका सेल्फिंग करवाना है हमें हेट्रोसाइकस है राउंड है येलो है राउंड एंड येलो सो इट इज जस्ट सेम जो हमने प्रीवियस अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उसी के जैसा सिमिलर है बट हमें अब जो हम लोग कवर अप करने वाले इस सेल्फिंग में दैट इज आफ्टर एफ वन जनरेशन ये एफ वन में हमने जिस तरह से देखा कि राउंड राउंड एंड येलो सीड्स मिल रहे हैं पूरे के पूरे एफ वन जनरेशन राउंड एंड येलो है अब इसका सेल्फिंग यहाँ पे सेल्फिंग ही हुआ है जो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा F2 जनरेशन जो देखा वो सेल्फिंग के बाद ही हमें ये रिजल्ट मिलता है सो द सेम थिंग दैट इज गिवन बट द क्वेश्चन इज सेपरेट क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है सेल्फिंग ऑफ हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सो इस सेल्फिंग में हमें इसी तरह से कवर अप करते रहना है राउंड एंड येलो ठीक है राउंड एंड येलो सीड्स के बीच में जब सेल्फिंग होगा तो किस तरह से ट्रेट मिलेंगे द प्रोडक्शन ऑफ द हेड्रोसाइकल्स फॉर बोथ दैक्शनल फॉर्म में ये दिया रेशियो में नहीं देखी क्या फ्रैक्शन कितना पार्ट किस ट्रेट का मिलेगा हमें ओके सो फर्स्टली अगेन जब सेल्फिंग होगा तो हमारे पास क्या है किस तरह से जो अलील्स होगा वो हमारे पास क्या होगा पहले तो राउंड होगा ठीक है राउंड होगा एंड येलो राउंड येलो ठीक है नेक्स्ट इज राउंड एंड ग्रीन देन अगेन रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड एंड येलो एंड लास्ट वन इज रिंकल्ड ग्रीन ओके okay? सो so, इसी तरह से सेम जस्ट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन सेम वे वी हैव टू फॉलो अप ठीक है तो जो हमारे पास आर और कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर दिस इज राउंड ये हमें जो रिजल्ट होमोजाइगस डोमिनेंट है ठीक है ये राउंड एंड येलो सीड्स मिलेंगे अगेन हियर वी विल गेट व्हाट ओके सेम वे हमें फॉर्मेट फॉलो करते जाना है पनेट स्क्वायर किस तरह से बनाते हैं ऑलरेडी वी हैव डन so in this same way we have to go on okay so the production of the heterozygous for both the trait dono trait ke liye jo heterozygous condition hai wo kya hoga heterozygous yahan pe hame point out kya karna hai heterozygous condition ko so यहाँ पे आप देख रहे हो capital R capital Y ये तो दोनों dominant है hetero नहीं होगा ठीक है तो हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन जो हमें मिलेगा दैट विल बी यस दिस येलो एंड रिंकल्ड येलो रिंकल वन टू थ्री ठीक है ये वाला कंडीशन वन टू थ्री हेट्रोजाइगस फॉर्म में है ये भी एंड वन टू थ्री एंड नेक्स्ट हां दिस वन फोर तो टोटल हेट्रोजाइगस वाला जो कंडीशन हमें मिल रहा है दैट इज आउट ऑफ टोटल सिक्सटीन ओके आउट ऑफ टोटल और यहां पे आप देखोगे दिस इज राउंड एंड येलो ये डोमिनेंट वाला में हो गया हेट्रोजाइगस नहीं क्योंकि हमारे पास राउंड एंड येलो सीड्स मिल रहे हैं यहां भी कैपिटल आर है कैपिटल वाई है तो दैट इज नॉट हेट्रोजाइगस ठीक है कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई uh, भी है अगेन हियर तो हेट्रोजाइगस वाला जो कंडीशन है यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर तो यह हेट्रोजाइगस स्टेट है ट्रेड दोनों ट्रेड हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमें दिख रहे हैं इन चारों में ठीक है सो फाइनली द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी नंबर फोर आउट ऑफ सिक्सटीन ओके सो लेट्स वॉट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज The production of the gametes by the parents, that is formation of zygote in F1 and F2 plant can be understood from a diagram called from a diagram. It should be from a diagram called ठीक कि है किस diagram से हम F2 and F1 generation में किस तरह से offspring बनेंगे कैसे पढ़ते the production of gametes कितने gametes बन रहे हैं so that all हम लोग कैसे पढ़ते net square no इस चैप्टर जो मेंडल्स का जो हम लोग पढ़ते हैं पूरे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसमें सबसे पहले हम लोग हाइब्रिड क्रॉस को अंडरस्टूड करने में अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है सो दैट इज नॉट बुलेट स्क्वायर पंच स्क्वायर ये सब नहीं होगा सो द करेक्ट ऑप्शन क्या है दूसरे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने जो बताया बतायापिटल एंड स्मॉल दो दो अलील्स है तो कैपिटल वाला हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है एंड रेसेसिव फॉर्म ठीक है रेसेसिव वाले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं दैट इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस ठीक है बट देर इज समथिंग इनमें से कुछ ऐसे फ्लावर है ऐसे प्लांट है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते हैं

बारे में पढ़ा था दैट दिस फ्लावर डज नॉट फॉलोज लॉ ऑफ डोमिनेस वहां पर इनकम्प्लीट हमें देखने मिलता है दैट मीन्स वहां पे दो तरह के जो कलरफुल फ्लावर्स अगर आप लोगे व्हाइट लोगे पर्पल लोगे ओके सो दे के नॉट देवर हाइड द अदर रेसेसिव ट्रेट दूसरे रेसे को डोमेंट वाला कवरअप नहीं कर पाता है सो फाइनली इन दैट केस वॉट है इनकम्प्लीट डोमिनंस मेराबल इज जलापद फ्लार शोज दॉ फॉलोज द लॉ ऑफ डोमेंस और वो शो करता है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डॉमिनेंस सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉस बिटवीन व्हाइट आई फीमेल ठीक है ड्रॉसोफिला है ठीक है सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाइट आई फीमेल रॉसोफिला एंड रेड आई मेल ड्रॉसोफिला दे आर बीन क्रॉस्ड ठीक है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है एंड लीड्स टू दी प्रोडक्शन ऑफ सो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि आगे का जनरेशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा क्रॉसोफि जो बनेंगे उनके आईज कैसे होंगे आइदर वाइट ठीक है और रेड सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेम रेड आई मेल बनेगा एंड रेड आई फीमेल मीन्स बोथ मेल एंड द फीमेल विल हैव रेड आई नेक्स्ट व्हाइट आई मेल्स बनेंगे एंड व्हाइट आई फीमेल ये भी हो सकता है बट वी हैव टू चूज कि कौन सा बेटर ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन क्या है रेड आई फीमेल्स एंड व्हाइट आई मेल्स लास्ट वन व्हाइट आई मेल एंड रेड आई फीमेल्स सो वी हैव टू चेक इट आउट कि किस तरह के आगे के जनरेशन बनेंगे फर्स्टली व्हाइट आई फीमेल फीमेल जो है वो व्हाइट आई ठीक है सो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा व्हाइट आई फीमेल्स ठीक है वाइट आई फीमेल्स एंड रेड आई मेल सो ऑल द मेल रॉसोफिला ठीक है तो मेल रॉसोफिला कैसे होंगे रेड आई होंगे इनके ओके okay? अब हमें ये देखना है कि इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो व्हाट व्हाट टाइप ऑफ जनरेशन विल गेट वाइट आई फीमेल फीमेल है सो बोथ विल बी एक्स एंड एक्स ठीक है और दूसरा व्हेन वी आर कैरिंग आउट मेल्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो so फीमेलू so 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 लिख देते हैं और रेड है तो वी कैन राइट आर ठीक है अब इन दिस इज देरेंट जनरेशन है ठीक है पेरेंट जेनरेशन वाइट आई फीमेल्स एंड मेल्स रेड सो वॉट टाइप ऑफ द गैमेट विल बी फॉर्मड गैमेट्स कैसे बनेंगे एक जैसे ही बनेंगे ठीक है गैमेट्स जो बन रहा है वो एक जैसा ही बन रहा है यहाँ पे वन थिंग ऊपर कुछ नहीं होगा जस्ट वी वाई ठीक है बिकॉज ये जो कलर कलर ऑफ दी ड्रोसोफिला है आई कलर है वो एक्स क्रोमोजोम के ऊपर होगा वाई के ऊपर नहीं होगा सो वी नॉट राइट इट ओवर आर जो है वो वाई के ऊपर नहीं लिखेंगे ठीक है तो गैमेट जो बनेगा इस तरह से गैमेट्स होंगे

सो वाई दिस इज एक्स वाई जो हो गया वो मेल्स के लिए हो गया ये फीमेल्स के लिए सो so, आगे का जनरेशन क्या बना एक्स एंड एक्स इज फॉर फीमेल ये फीमेल के लिए है एक्स एक्स अगेन फीमेल के लिए है एक्स वाई इज फॉर मेल एंड दिस इज अगेन फॉर मेल ड्रॉसोफिला so, uh, जो फीमेल्स ड्रॉसोफेला होंगे उनके रेड आईज होंगे ठीक है रेड बिकॉज इट इज डॉमीनेंट ट्रेट ये डॉमिनेंट वाला ट्रेट है और व्हाइट जो है वो रेसेसिव ट्रेट है डोमिनेंट वाला अपने आपको एक्सप्रेस करेगा सो सिंपली वी कैन से जो फीमेल्स होंगे उनके आई कैसे होंगे रेड और जो मेल्स होंगे दे विल हैव वाइट आई सो जितने भी मेल्स है दे विल हैव वाइट आई फीमेल रेड एंड मेल्स वाइट आई सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन नंबर सी रेड आई फीमेल एंड वाइट आई मेल्स विल बी द रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट जेनरेशन ठीक है इन दिस वे वी कैन अकॉर्डिंग टू स्पन स्क्वायर के हेल्प से हम लोग देख सकते कि किस तरह से आगे ड्रॉसोफेला uh, जो बन रहे हैं मेल एंड फीमेल आई दर मेल के आईस कैसे होंगे दट इज व्हाइट एंड फीमेल रेड नेक्स्ट क्रॉस बिट्वीन मेल एंड द फीमेल अब यहां पर अगेन देर इज अ क्रॉसिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल बट इट इज हेटेजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया ठीक है इफ द मेल एंड द फीमेल बोथ हर देअर और दोनों क्या है हेट्रोजाइगस है मीन्स डॉमिनेंट नहीं मीन्स पूरे तरह से होमोजाइगस नहीं है हेटे ठीक है सो सिकल सेल एनीमिया के लिए हेट्रोजाइगस स्ट्रेट है किसी भी दो मेल एंड फीमेल्स के बीच में ओके, परसेंटेज ऑफ दिन आगे के में कितना चांसेस है है, कि वो भी सिकल सेल एनीमिया हो ठीक सो फॉर दिस अगर दो देर इज मेल एंड अ फीमेल और दोनों हेट्रोसाइग स्टेट में है सो वी कैन सिंपली राइट एच है ये हो गया सिकल सेल एनीमिया को डिनोट हेमोग्लोबिन एक का नॉर्मल है तो उन्हें हम ए से डिनोट कर लेते हैं और जिसे सिकल सेल एनीमिया है उसे एस से डिनोट करेंगे ठीक है सो हेट्रोजाइगस स्टेट हमें दिख रहा है अगेन अनदर पेरेंट इज अगेन हेट्रोजाइगस मेल एंड द फीमेल बोथ आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन सो ये हो गया आपका जो मेन अब इनके बीच में हमें क्रॉसिंग ओवर देखना है तो so, पहले तो हमें ये देखना हो गैमेट्स कैसे बनेंगे ये तो पेरेंट है सो व्हाट टाइप ऑफ द गैमेट्स वी विल सी दो तरह के गैमेट्स बन रहे हैं नाउ वी विल सी वट वी विल गेट इन एफ वन जेनरेशन ठीक है अब जो क्रॉसिंग ओवर होगा विदाउट पनेट स्क्वायर भी बना सकते विद पनेट स्क्वायर के हेल्प से भी हम लोग देख सकते हैं बट हियर इट विल बी एच बी एंड एच बी ए ठीक है ये कंडीशन हो गया द नेक्स्ट एच बी एंड एच बी एस अगेन दिस एच बी एस एच बी एंड द लास्ट वन एच बी एस एंड एच बी एस सो इस स्टेट में आप देख रहे हो ए ए दैट मीन्स ये पर्सन क्या होगा नॉर्मल ठीक है ये नॉर्मल स्टेट को डिनोट कर रहा है अगेन लास्ट वन एस एस है मतलब सिकल सेल सिकल सेल होगा ओके एंड द वन जो आप देख रहे हो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है ठीक है हेट्रोजाइगस स्टेट में हो तो दे विल बी द कैरियर क्या होंगे ये कैरियर होंगे ठीक है दे विल बी द कैरियर ऑफ दिस डिजीज दैट इज सिकल सेल एनीमिया

अगर अलील्स की बात करो तो आई ए ठीक है आई बी एंड आई आई ए आई बी एंड आई सो ये आई ए और आई बी वाले जो अलील आप देख रहे हो दे आर को दे आर को डोमिनेंस दे शोज को डोमिनेंसी ठीक है और आई वाला जो कंडीशन है स्मॉल आई से जो डिनोट करे दैट इज इन रेसेसिव फॉर्म और रेसेसिव वाले अपने आप को तभी एक्सप्रेस करते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो ओके सो इन ह्यूमन द ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आर डिटरमाइंड इज वन ए इज डॉमीने आई ए दिस इज आई ए आई ए डोमिनेंट है सेकेंड वन ऑप्शन क्या बोल रहा है कि तीन अलील है आई ए आई बी एंड आई ओके इन विच आई ए एंड आई बी आर को डोमिनेंट ठीक है ये दोनों को डोमिनेंट है सेकेंड ऑप्शन ये बस बोल रहा है थर्ड ऑप्शन इज थ्री इन सेन इज डॉमिनेंट ठीक है ये तो बिल्कुल रॉन्ग बोल रहा है बिकॉज वी नो के IA, IB, जो है वो को डॉमिनेंसी शो करते हैं सो थ्री अलील्स इन विच आई ए एंड आई आर को डोमिनेंट नो अगेन दिस इज रॉन्ग सो आई ए ओनली आई ए इज नॉट डोमिनेंट तो ये भी रॉन्ग हो गया सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन तीन अलील है हमारे पास तीन अलील है उसमें आई ए बी जो है वो कोडोमिनेंट है और आई जो लास्ट वाला आई है वो रेसेसिव है so, ठीक है passage के हम लोग को आंसर ढूंढना है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बीन जीन्स दैट आर फाउंड ऑन द सेक्स क्रोमोजोम दे आर नोन एज सेक्सलिंग जीन्स यस वी नो स है ऑटोजोम का और लास्ट एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम का होता है सो सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर जो लास्ट पेयर ऑफ द क्रोमोजोम होते हैं आइर वो एक्स एक्स हो गया या तो एक्स वाई होगा ठीक है या तो एक्स वाई होगा ओके सो द जीन्स दैट आर फाउंड जीन्स जो भी सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं दे आर नोन हैं। और जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं उन्हें एक्स लिंक जीन्स बोलते हैं ठीक है थीके? मान लो यहां पे ए है एंड देर इज बी देर इज ए स्मॉल बी ठीक है इस तरह से जो भी जीन आपको दिखने मिल रहा है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर दे आर एक्सलिंग जीन ओके एंड

दे आर नॉन होमोलोगस जो एक्स क्रोमोजोम है वो होमोलोगस है ये नॉन होमोलोग है डिफरेंट है सो दे आर द नॉन होमोलोगोम सो द जींसरिटेड के क्रोमोजोम एक्स एंड वाई क्रोमोजोम होते हैं और फीमेल्स में एक्स एंड एक्स क्रोमोजोमिंग एंड दिज द एक्सलिंग जीन्स जो एक्सलिंग जीन्स होते हैं ये इनहेरिट होते हैं मीन्स ये पास ऑन होते हैं बोथ मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड को एक्सलिंग वाला मेल के पास भी जाता है मेल दैट मीन्स के पास भी डॉटर के पास भी बट वाई लिंग्ड वाले जो है देन ओनली गोस टू दाई दैट मीन्स सन ओके सो द क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाई लिंग ट्रेट इनमें से वाई लिंग वाले कौन से ट्रेट है फर्स्ट so, ऑप्शन है हेमोफीलिया हेमोफीलिया क्या है एक तरह का डिसऑर्डर्स है जिसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाता है ठीक uh, है इट इज दी लिंग इनहेरिटेंस ठीक है ये सेक्स लिंग इनहेरिटेंस है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है ओके? ऑलरेडी वी हैव डन फेनाइल एलानाइन ठीक है दैट इज बीन कन्वर्टेड टू टाइरोन तो फेनाइल फेनाइल एलानिन इट इज कन्वर्टेड टू टाइरोसिन किस चेंज होता है टाइरोसिन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज फेलाइन फेनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज ठीक है एंड दिस इज अ डिसऑर्डर जिसमें जो क्रोमोजोम है वो किस कंडीशन में आपको दिखता है एक्स एक्स एंड वाई मतलब एक्स्ट्रा वन एक्स क्रोमोजोम इज बीन सीन ठीक है ये नोट किया जाता है कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम हो गया है देन लास्ट वन इज हाइपर ट्राइकोसिस

फ्रॉम फादर टू सन तो वाइलिंग वाले किसे पास होंगे फ्रॉम फादर टू सन ओके प्लाजॉन टू फादर टू सन सो हेमोफीलिया तो ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड है फिनाइल केटेनोरिया क्रोमोजोमल है एंड हाइपर ट्राइकोसिस डायरेक्टली पास फ्रॉम फादर टू सन ये इस तरह के डिसऑर्डर सो दीज आर वाई लिंग ट्रेट ये वाई लिंग है ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम सेम इसी पैरा के ऊपर पैसेज के ऊपर बेस्ड है द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज शोन बाई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है कोई भी डिजीज मदर से कहा जाता है मदर है और फादर है इधर ठीक है सो मदर से दिस डिजीज विल पास ऑन टू सन और सिंपली वी कैन मेक लाइक दिस ठीक है, मदर से ये डिजीज सन को जाएगा फादर से डॉटर को जाएगा सो दिस टाइप ऑफ डिजीज दे आर नोन इसे क्या बोलते हैं क्रस क्रॉस इनहेरिटेंस जिसमें मदर से डिजीज पास ऑन होता है सन को एंड फादर से डॉटर को सो दे बोलते हैं क्या बोलते हैं लिंक ट्रेट दे आर नोन एज एक्स है जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया देखा हाइपर ट्राइकोस होगा मेल में होंगे वो डेफिशिय डिजीज या जो भी ट्रेट है दैट विल बी सीन आइदर इन मेल और इन फीमेल तो दैट इज सेक्स लिमिटेड ट्रेड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ दी ब्रेस्ट ठीक है एंड देन स्टैचेस इन द मेल्स डेवलपमेंट तो ये सब सारे जो है वो सेक्स लिमिटेड है आइर वो मेल में होंगे आधर वो फीमेल में होंगे ठीक है और सेक्स सेक्स इन्फ्लुएंस जैसे कि इन मेल्स ठीक है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बट पे आपसे पूछा गया है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इट इज शोन बाय एक्स लिंक ट्रेड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन तो एक्स लिंक ट्रेड वाले जो भी जितने डिसऑर्डर्स है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं

शो so, तो इसमें क्या बोला गया कि जो एफ टू जनरेशन मिल रहा है सो वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस देर इज नो ब्लैंडिंग ऑफ द ट्रेट क्या रीजन है ब्लेंडिंग okay? so, no ट्रेट का नहीं हुआ है और ट्रेट ऑर द कैरेक्टर्स इन एफ टू जेनरेशन तो असन बोलता है कि

लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट रीजन uh, भी ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है सो वी हैव टू चेक इट आउट कि किस तरह से जनरेशन मिलते हैं हमें ये पेरेंट मान लो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी ठीक है ये टॉल प्लांट हो गया ये ड्वार्फ हो गया नेक्स्ट गैमेट्स जो बनेंगे दैट विल बी टी एंड बोथ कैपिटल टी यहां पे दोनों स्मॉल टी सो वट विल बी द जनरेशन जो एफ वन जेनरेशन तो वो मिलेगा हमें इट विल बी ऑल स्टेट में हमें मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी बट हमें चाहिए एफ टू जनरेशन एफ टू जेनरेशन हमें कैसे मिलेगा एफ टू जेनरेशन के लिए हमें सेल्फिंग करवानी होगी सो वेन देर इज अ सेल्फिंग ट विच टाइप ऑफ ट्रेड कैपिटल टी कैपिटल गेट द न्यू जेनरेशन एफ टू जेनरेशन है ये एफ टू सो ये प्लांट टॉल होगा बोथ कैपिटल टी है ठीक है ये हेट्रोजाइगस है लेकिन ये भी टॉल होगा द लास्ट वन अगेन इट इज हेट्रोजाइगस इट विल अगेन बी टॉल एंड बोथ जब रेसेसिव फॉर्म में

ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन बिकॉज बोथ एसे रीजन इज करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिस इज पैसेजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस कोटिंग ऑफ द आरबीसी आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजेंस होते हैं मान लो ये हमारा आरबीसी है ठीक है ओके सो आरबीसी शेप का होता है इट इज डिटरमाइंड सो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इट इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ द एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस कोटिंग ऑफ आरबीसी आरबीसी के ऊपर कितने एंटीजन प्रेजेंट हो रहे हैं ठीक है थीके? ये सब क्या है मान लो आप antigens है ओके okay?

मेनली देखोगे थ्री ओके दैट इज आई ए आई ए आई बी एंड आई स्मॉल आई से एक को डिनोट कर सकते हो आई ए क्या है ठीक है आई ए एंड आई बी ऑलरेडी वी हैव सीन ये दिखाता है को डोमिनसी एंड लास्ट वन इज रेसेन ए एंड आई बी एंटीजन बी वाइल अलील आई इज रेसेसिव एंड डॉट फॉर्म एनी एंटीजन वो किसी भी तरह का एंटीजन नहीं बनाता है सो फॉर दिस बोथ आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई बट नॉट ओवर ईच अदर लेकिन अगर आप देखोगे नाउ फॉर अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ ठीक है पहले हमें देखना होगा जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप के लिए अलील्स हो अल्स अलील है तीन है आई ए आई बी एंड स्मॉल आई ठीक है अब हमें देखना जेनोटाइप जो हमारे ब्लड ग्रुप का होगा वो कैसा होता है नॉर्मली uh, अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है बी है ए बी है या ओ है ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ सो वी आर हैविंग वॉट ये ब्लड ग्रुप है ओके okay. सो so, जो हमारे पास एंटीजन होंगे एंटीजन बनेंगे वो कैसे बनेंगे यहां पे एंटीजन एंटी ए एंटीजेन ए वी हैव ट्राइड एंटीजन एंटीजन ए यहां पर बनेगा एंटीजन बी नेक्स्ट एंटीजन ए एंड एंटीजन बी भी बनेगा ठीक है दो तरह के एंटीजन बन रहे हैं और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है ठीक है ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है नाउ अब हमें देखना है एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं मीन्स विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ठीक है antibodies antibodies. तो एंटीबॉडीज यहां पे क्या बनेगा एंटी बी बनेगा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडीज क्या रहेंगे एंटी बी अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटी ए एंड इफ देर इज द ब्लड ग्रुप ए बी अगर ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है सो नो एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड अगर ब्लड ग्रुप इज ओ ठीक है तो हमारा जो एंटीजन बनेगा एंटीबॉडीज बनेंगे दैट विल बी एंटी ए एंड एंटी बी ठीक है सो इन दिस वे इस तरह से एंटीजेंस बन रहे हैं और एंटीबॉडीज बन रहे हैं सो so, जो लास्ट वाला आप देख रहे हो एंटी बी एंटीजन है ठीक है इस यहाँ पे देख एग्जाम्पल ऑफ so किस चीज का ये एग्जाम्पल है को डोमिनेंसी का मल्टीपल एलिज्म का या इनकम्प्लीट डोमिनेंस और बोथ कोडोमेंस और मल्टीपल एलिज allel किस चीज का एग्जाम्पल है सो so, लास्ट वाले कॉलम में हम लोग ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जेनोटाइप क्या होगा आइदर ए ए होगा या तो मदर फादर से जो भी मिल रहे हैं uh, जो अलील्स मिल रहे हैं ब्लड ग्रुप के लिए तो वो भी ए ए और ए और ओ हो सकता है ठीक है इसमें देख सकते हो बी बी और बी ओ अगेन हियर ए बी अगर ब्लड ग्रुप है तो जेनोटाइप ए बी होगा ब्लड ग्रुप ओ है तो जेनोटाइप ओ होगा ओके सो ए बी यू ब्लड ग्रुपिंग इन द ह्यूम आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉट को डोमिनंस मल्टीपल एलोइम हाँ codominance जो है बिकॉज आई ए और आई बी को डोमिनंस ही शो करता है है और मल्टीपल एलिज्म भी है क्योंकि यहां पे हमारे पास तीन तरह के अल्स है आई ए आई बी एंड आई तो बोथ द ऑप्शन इज करेक्ट सो वी हैव टू सी ए और बी दोनों करेक्ट है सो मार्क डी एज द करेक्ट आंसर क्योंकि ए और बी दोनों करेक्ट है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम पैसेज अब हम लोग वो देखेंगे उाउ मेनी जेनोटाइस एंड फेनोटाइपिबल इन एबीओ ब्लड ग्रुप्ट एबीओ ब्लडपिंग की पॉसिबिलिटी है सो वी है हमें देखना है कि एबीओ ब्लड सिस्टम में जेनोटाइप कौन कौन सा होता है और फेनोटाइप क्या होते हैं ठीक है तो लेट्स so जो जेनोटाइप टोटल हमें मिलते हैं और फेनोटाइप सो <coughs> so, फॉर द जेनो टाइम मान लो फादर से भी हमें अलील और मदर से भी अलील मिल रहे हैं ठीक है थीके? दोनों से ए ए अगेन ऐसा भी हो सकता है ए बी और ए एन आई नेक्स्ट ओके यह हो सकता है बी एन बी एन बी और ये भी हो सकता है बी एन आई और द लास्ट वन इज बोथ स्मॉल आई स्मॉल आई ये भी हो सकता है बोथ स्मॉल स्मॉल आई आई एंड वी कैन राइट ओवर हियर ठीक है अब देखते हैं कि फेनोटाइप अगर फादर और मदर दोनों के अलीज ए ए है ठीक है दोनों तरफ से आपको ब्लड ग्रुप ए वाला मिल रहा है तो विच टाइप ऑफ फेनोटाइप कैसा होगा आपका ब्लड ग्रुप ए होगा डेफिनेटली ए ठीक है और अगर ए बी है एक पेरेंट से ए मिल रहा है दूसरे से बी मिल रहा है तो द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी वन आई एक है स्मॉल आई दूसरा है कैपिटल ए वाला डॉमिनेंट है आई वाला बेचारा है ब्लड okay, so ग्रुप so क्या होंगे ए बन जाएंगे अगेन बोथ बी बी सो ब्लड ग्रुप क्या होगा बी बी एंड आई है आई रेसेसिव है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा ओनली बी एंड बोथ स्मॉल आई स्मॉल आई है अगर ठीक है दोनों स्मॉल आई स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा ओ द ब्लड ग्रुप दोनों रेसेसिव फॉर्म में है तो ए भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने आपको बी भी नहीं तो सिंपली इट विल बी ओ ब्लड ग्रुप तो जेनोटाइप कितने हुए हमारे पास वन टू ठीक है जेनोटाइप एंड फेनोटाइप तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है और फेनोटाइप कितना हुआ जो फेनोटाइप दैट मीनस जो ब्लड ग्रुप हो रहा है दैट इज ए ये भी ए ये भी ए दैट मीनस वन बी टू दिस इज ए बी थ्री एंड ओ ब्लड ग्रुप सो दट इज फोर तो टोटल फेनोटाइप चार हुआ जेनोटाइप हमारे पास सिक्स हुआ ठीक है जेनोटाइप एंड फेनोटाइप है सो हाउ मेनी जेनोटाइप जेनोटाइप कितना है हमारे पास सिक्स एंड फेनोटाइप कितने हैं ओनली फोर सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कपल बोथ हैविंग ब्लड ग्रुप ठीक है उनके ब्लड ग्रुप ए बी है चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ और कोई ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा है एंड दे आर से नो दे आर मतलब दैट चाइल्ड इज माइंग सो वट कुड बी द बेस्ट एनफर्ट फ्रॉम दस तो मतलब इससे क्या मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से वैसे पेरेंट्स के लिए कपल शुड बी गिवन द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड एज देर क्लेम वॉज करेक्ट मतलब उन्होंने सही क्लेम किया कि ये मेरा अपना चाइल्ड है सो कपल शुड नॉट नेक्स्ट ऑप्शन है कपल शुड नॉट बी गिवेन द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड एज द नॉट हैव ओ ब्लड ग्रुप उनके ए बी वाले पेरेंट अगर दोनों का ब्लड ग्रुप बोध पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उस दैट पेरेंट कैनॉट हैव द ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड ठीक है सो आइदर देर शुड बी गिवेन द कस्टडी और नॉट या फ्यू मोर मेडिकल बायोमेडिकल टेस्ट शुड बी डन टू वेरीफाई देम और नन नन ऑफ़ द अब सो द थिंग इज कि अगर ब्लड ग्रुप आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे हमने अभी जस्ट पढ़ा ठीक है जेनोटाइप और फेनोटाइप में हमने पढ़ा अगर ब्लड ग्रुप पेरेंट्स के ए बी है जस्ट कम टू द प्रीवियस स्लाइड अगर पेरेंट के ए बी ब्लड ग्रुप है ओके सो दे चाइल्ड विल हैव द फेनोटाइप ए बी ओके okay? और अगर ब्लड ग्रुप ओ है चिल्ड्रेन का चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है पेरेंट कैन नॉट हैव द ब्लड ग्रुप ए बी सो पेरेंट का कोई चांस ही नहीं है कि ब्लड ग्रुप उनका ए बी होगा ठीक है so, सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कपल शुड नॉट बी गिवन द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड एज दे कैन नॉट द करेक्ट उनके ए ब्लड ओ ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड ए बी वाले के पास तो हो ही नहीं सकता है ओके okay?

ब्लड ग्रुप ए ठीक है मदर का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वी कैन राइट आई ए ए पहला केस ये हो सकता है ठीक है मतलब मदर के ब्लड ग्रुप ए है और चाइल्ड का भी ब्लड ग्रुप ए है मीन्स वॉट फादर जो मदर के ब्लड ग्रुप बोथ विल बी ए ए ठीक है और फादर का जो ब्लड ग्रुप है दैट कैन बी ठीक है बी भी हो सकता है और आई रेसेसिव फॉर्म में भी देख सकते हैं हम लोग ठीक है ये एक केस हो सकता है दूसरा वील सी हाउ वी कैन गो ऑन तो ये हो गए पेरेंट ठीक है उनके गैमेट्स कैसे बनेंगे आई ए एंड अगेन आई ए यहां पे गैमेट्स कैसा बनेगा आई बी एंड आई नाउ वी विल सी एफ वन जनरेशन कैसा बना आई ए आई बी और ओके, okay. सो so, जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके ब्लड कैसे होंगे ठीक है ए बी वाला या तो ए बी होगा ठीक है जो एफ वन जनरेशन है ए बी ब्लड ग्रुप होगा या तो ए होगा अगेन ए बी और ए तो जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा और ए बी होगा अकॉर्डिंग टू दिस केस ठीक है अगर दूसरी केस में अगर हम लोग ले लेते हैं इफ मदर इज हैविंग द ब्लड ग्रुप ए ठीक है आई ए है दर मदर के पास और और हम लोग ये भी देख सकते हैं आई वी कैन एट द राइट स्मॉल आई ठीक है एंड शी इज बीन क्रॉस्ड बाई द ब्लड ग्रुप मेल द फादर इज हैविंग द ब्लड ग्रुप सेम आई बी और आई तो इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा ये पेरेंट्स है इनके बीच में क्रॉसिंग आई ए दो तरह के गैमेट्स बन गए ओके okay? अब फर्स्ट जनरेशन में क्या बनेगा एंड द लास्ट वन स्मॉल आई स्मॉल आई ठीक है सो वी कैन सी जो ब्लड ग्रुप यहां पे होगा दैट इज ए बी इन दिस केस ओनली ए बी एंड यहां पे ओ ठीक है तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है हियर ए बी ए दो ऑप्शन आ रहा है यहां पे ए बी एंड ओ और यहां पे आप देख रहे हो ए ए बी ए बी ठीक है कलेक्टिवली ए बी ब्लड ग्रुप भी आ रहा है एंड ओ भी सो इफ द फादर हैज द ब्लड ग्रुप बी एंड द मदर हैज द ब्लड ग्रुप ए वट वुड बी द जेनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स पेरेंट्स के जेनोटाइप क्या होंगे ठीक है सो दीज आर द जेनोटाइप ऑफ पेरेंट दीज आर द एफ एन जनरेशन ऑफ पेरेंट का जेनोटाइप हमारे पास ये है ठीक है दीज आर दी पेरेंट जेनोटाइप आइडर ये हो सकता है पेरेंट का जेनोटाइप या तो वो हो सकता है सो वी विल सी कि किस तरह के जेनोटाइप पेरेंट्स के होंगे आइडर ठीक है एंड आई बी आई ये ऑप्शन तो टैली कर रहा है एंड यू कैन सी बी इज द करेक्ट वन ठीक है बी इज द करेक्ट वन वी आर हैविंग सो वी कैन गो विद दैट ऑप्शन नंबर बी क्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज हाउ मेनी एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप पर्सन ठीक है जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होगा तो उनके बॉडी में कितने तरह के एंटीजेंस और कितने तरह के एंटीबॉडीज होंगे सो एज यू रिमेंबर जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे है ठीक है इन द प्रीवियस वी हैव सीन इफ द पर्सन इज हैविंग द ब्लड ग्रुप ए ठीक है ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होता है और एंटी बी एंटीबॉडीज होते हैं ओके एंड इफ द पर्सन इज हैविंग ब्लड ग्रुप बी बी सो एंटीजन होगा यहां पे ठीक है और एंटी ए विल बी द एंटीबॉडीज तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? अभी जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे इट वॉज आस्किंग द नंबर ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द ओ ब्लड ग्रुप पर्सन ओ ब्लड ग्रुप पर्सन के कितने एंटीजन होते हैं और कितने एंटीबॉडीज होते हैं सो वी कैन सी एंटीजन नो नन एंड एंटीबॉडीज दो बनते हैं एंटीबॉडीज ठीक है सो अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ इज हैविंग एंटीबॉडीज टू दो तरह के एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी और कोई भी एंटीजन नहीं होता है सो डायरेक्टली वी कैन मार्क द करेक्ट आंसर इन दैट क्वेश्चन

एंड दीज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड ग्रुप ओ जिसके भी ब्लड ग्रुप ओ होगा दे विल हैव टू टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड नन ऑफ द एंटीजन सो वी कैन मार्क बी द करेक्ट आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्रॉस वॉज मेड बिटवीन ठीक है ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड दिस वे ठीक है तो इस क्रॉस को हमें बनाना पड़ेगा ए एंड अगेन सेम ठीक है सो द क्रॉस इज मेड बिटवीन दैम एंड वट फ्रैक्शन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग कैन बी एक्सपेक्टेड किस तरह के ऑफ स्प्रिंग बनेंगे टू एक्सप्रेस वन ऑफ द टू डोमिनेंट अलील ठीक है बट नन ऑफ द अलील शुड भी मतलब एक साथ दोनों दो डोमिनेंट नहीं होने चाहिए एक अलील डोमिनेंट होगा तो दूसरा रेसेसिव होना चाहिए तो उस ऑप्शन uh, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव वाले का कितना फ्रैक्शन हमें रिजल्ट में मिलेगा दैट वी हैव टू सी सो वी हैव टू सी द क्रॉस क्रॉसिंग देखना होगा इनके बीच में ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल

ठीक है या तो ए बी बनेगा और कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी और बोथ स्मॉल ए स्मॉल बी तो वी कैन फिल इट ठीक है बोथ कैपिटल ठीक है इस तरह के गैमेट्स हमें मिलेंगे ओके दिस टाइप ऑफ गैमेट्स वी विल गेट So, we can mark, we will get AB, AB. So, in the same way, you have to fill this columns, and then finally, we will get which type of progeny. हमें देखना है क्या दे शुड बी नॉट बी दो डोमिनेंट है बट वन शुड बी डोमिनेंट एंड द अदर शुड बी रेसेसिव वाला कंडीशन हमें देखना है ओके okay. सो नाओ इन दिस कंडीशन वी कैन सी ये दोनों ये डोमिनंट है और ये पूरे के पूरे रेसेसिव है बट वीव नॉट टेक दिस द क्वेश्चन इज आस्किंग द ऑप्शन कैन बी एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस आउट ऑफ द टू डोमिनंट अलील बट वोथ शुड नॉट बी डोमिनेंट उनमें से कोई एक डोमिनंट होना चाहिए दूसरा रेसेसिव होना चाहिए ठीक है सो फॉर दिस वी कैन जस्ट मार्क हमारे पास जो ऑप्शन दैट वी हैव टू सेलेक्ट एक डोमिनेंट एक रेसेसिव तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो आइदर इट शुड बी आइदर इट शुड बी बोथ कैपिटल ए कैपिटल ए और बी बी होगा ठीक है ये ऑप्शन हमें चेक करना है या तो बोथ स्मॉल ए एंड बोथ कैपिटल बी ये ऑप्शन हमें देखना है एंड द लास्ट वन इन दिस सेम कंडीशन वी हैव टू जस्ट चेक इट आउट कि ये कंडीशन हमारे पास है या नहीं तो बोथ कैपिटल ए एंड बोथ स्मॉल बी ठीक है बोथ कैपिटल ए एंड बोथ स्मॉल बी ये वाला ऑप्शन हो गया बोथ स्मॉल ए एंड बोथ कैपिटल बी ठीक है बोथ स्मॉल ए एंड बोथ कैपिटल बी और ये वाला ए बी एंड ए बी वाला कंडीशन भी हमारे पास दो है सो इन दिस वे वी आर सींग टोटल जो हमारा ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो कैसे बनेंगे और जो दैट शुड नॉट बी बोथ डोमिनेंट सो इट विल बी फाइनली वॉट हमारे पास जो ऑप्शन होगा दैट इज वन कैपिटल एंड वन इट शुड बी स्मॉल ठीक है तो एक डोमिनेंट हो गया दूसरा रसेसिव फॉर्म में हमें देखना है एक डोमिनेंट है दूसरा रसेसिव है एक डोमिनेंट दूसरा रसेसेव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है ओके, सो टोटल कंडीशन वॉट वी आर हैविंग टोटल हमारे पास ऐसा कंडीशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और येलो वन जो येलो में मार्क्ड है तो so, टोटल हमारे पास सिक्सटीन है आउट ऑफ वॉट टोटल इज सिक्स आउट ऑफ सिक्सटीन ठीक है सिक्सटीन में सिक्स जो है वो डोमिनेंट uh, तो दिखा रहे हैं बट इट इज इन हेट्रोजाइगस फॉर्म सो वी कैन सिंपली सी थ्री बाई एट ठीक है फाइनली वीर गेटिंग थ्री आउट ऑफ एट जो फ्रैक्शन है हमारा इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है ठीक है सो वी कैन मार्क द करेक्ट ऑप्शन इज बी थ्री बाई एट द फ्रैक्शन ऑफ द ऑप्श्रिंग दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस द टू डोमिनेंट अलील दो डोमिनंट अलील को दिखा रहा है बट नॉट वोट ओके सो इन दिस वे वी हैव केम टू द एंड ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सो वी कैन प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस द सेम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच विल बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू